गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 26 है और 2023 के ZW सेट में आया गया है। तो देखिए यहाँ भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। अब यहाँ पर इसको क्या बनाएंगे, तो भूख और इंसान का रिश्ता ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड मैन। अब हंगर का मतलब होता है भूख, हंगर का मतलब क्या होता है, भूख। तो द रिलेशन मतलब संबंध या रिश्ता बिटवीन हंगर एंड मैन, यानी कि भूख और इंसान के बीच का रिश्ता जन्म से होता है, यानी कि इज सीन्स बर्थ। अब याद रखना, जन्म से मतलब सीन्स बर्थ, और होता है के लिए इज का यूज किया जाता है, इज एम आर में से। ओके। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी लेकर आता है, यानी कि द मैन मनुष्य आल्सो ब्रिंग्स, मनुष्य लाता भी है ही जंगर अपनी भूख भी अलोंग विद हिम अपने साथ, है ना, या अलोंग विद हिज बर्थ यहां पर लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहां अलोंग विद का मतलब होगा साथ ही साथ है, अपने साथ। तो द मैन आल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर विद अलोंग विद हिम, यानी कि एक मनुष्य अपने साथ साथ अपनी भूख भी लाता है। यहां पर विद हिज बर्थ बोल सकते हैं, अपनी जन्म के साथ साथ वो जो अपनी भूख भी लाता है। अब यहां पर नेक्स्ट, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का जो है प्रमाण है। क्लियर? भूख उसी को लगेगी जो जीवित है, मुर्दा को कहां भूख लगेगी भाई, सिंपल सा। तो अब यहां प्रमाण है, इसका मतलब प्रूफ है, प्रमाण को बोलते हैं प्रूफ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, यानी कि हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने की, तो सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन किसी भी पर्सन के सर्वाइवल का या जीवित रहने का जो एक प्रूफ है, एक प्रमाण है। ओके। लेकिन यह भूख हबस का रूप लेने लगे, अगर ये भूख हबस का रूप लेने लगे मतलब ये लस्ट में बदल जाए एक तरह से, ठीक। बट वेन, लेकिन जब दिस हंगर ये भूख टर्न्स इनटू लस्ट, यानी कि लस्ट में बदल जाए, हबस में बदल जाए, तो चिंता का कारण बनने लगता है, चिंता का कारण बनने लगता है। इट बिकम्स अ कॉज ऑफ वरी। तब ये एक वरी मतलब चिंता, कॉज मतलब कारण, चिंता का कारण बन जाता है किसी भी किसी की बे इंतहा लालच, यानी कि बहुत ज्यादा लालच अगर कोई कर रहा तब भी लूटमार पर आ जाएगा ना। तो किसी की बे इंतहा लालच, यानी कि समवन्स एक्सेसिव ग्रीड, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा, ग्रीड मतलब लालच, समवन्स एक्सेसिव ग्रीड, किसी की बहुत ज्यादा लालच या बे इंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबक बन जाती है। तो बिकम्स द कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल, है ना, अदर्स ट्रबल यानी कि दूसरे की समस्या का एक कारण बन जाती है, दूसरे के लिए समस्या क्रिएट कर देती है। क्लियर है? मुसीबत का सबब मतलब कारण बन जाती है। भूख और भुखमरी असमानता की सूचक है। हंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेशंस ऑफ इनइक्वेलिटी। मतलब हंगर मतलब भूख, एंड स्टारवेशन का मतलब भुखमरी, आर द इंडिकेशन इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता का जो है ये क्या है, इंडिकेटर है, यानी कि सूचक है। समझ में आया? एक बार इसको रिपीट करते हैं और बताइएगा। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, क्या होगा, द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड मैन इज सीन्स बर्थ। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी लेकर आता है, तो क्या होगा, द मैन आल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर अलोंग विद हिज बर्थ या अलोंग विद हिम। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, तो क्या हो जाएगा, हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। लेकिन यह भूख हबस का रूप लेने लगे, तो बट वेन दिस हंगर टर्न्स इंटू लस्ट, टर्न्स इंटू लस्ट का मतलब हबस का रूप लेने लगे, हबस में बदलने लगे, तो चिंता का कारण बनने लगती है।
देन इट बिकम्स अ कॉज ऑफ वरी, ये चिंता का कारण बन जाती है, है ना। किसी की बेइम्तिहान लालच यानी कि समवन्स एक्सेसिव ग्रीड, किसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक जो लालच है वो क्या होता है, दूसरे की मुसीबत का सबब यानी कि दूसरे की मुसीबत का कारण बन जाती है। तो क्या हो जाएगा, बिकम्स द कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल। भूख और भुखमरी असमानता की सूचक है, हंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर, हंगर मतलब भूख एंड स्टारवेशन मतलब भुखमरी आर द इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का इंडिकेटर्स होता है। इतना समझ पाए, ओके।